हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमने बेसिक सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि सिंपल फार्मूला पे बेस्ड था। फिर हमने एक स्टेप आगे एडिशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में। और ये एडिशन थ्योरम या फिर बेसिकली है क्या, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिंपल और एडिशन थ्योरम में जो अंतर है वो सिर्फ ये है कि जब हम लोग सिंपल क्वेश्चन को आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वहाँ पे सिर्फ एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाता था। लेकिन जैसे ही एडिशन थ्योरम आए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आए, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, एक से ज़्यादा इवेंट का आपको कंबाइन प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, कोई दो इवेंट है ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी नहीं है, ये अलग है, क्लियर है ना। तो इन सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंड शायद आप लोग समझ भी पाए होंगे। सो चलिए जल्दी से एक बार रिकॉल करके हम लोग आज क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन कंडीशन मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ए और बी के बीच कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई कॉमन आउटकम ऐसा ना हो जो कि ए इवेंट में भी आ रहा हो और जो कि बी इवेंट में भी आ रहा हो। और इसी केस को हम लोग क्या बोलते थे, केस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। और सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जहां पे दोनों इवेंट के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब देखिए, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसा कॉमन आउटकम है जो कि दोनों एलिमेंट का पार्ट, दोनों इवेंट का पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी कॉमन इवेंट दोनों में आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम लोगों को मिल जाएगा। और इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, केस व्हेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है ना। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था एंड प्रोबेबली आप वहां तक आपने पढ़ा होगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 7, बहुत ही ध्यान से, जैसे ही आइदर लग गया इसका मतलब एडिशन थ्योरम आ जाएगा। आइदर बोलने का मतलब होता है क्या, ये या वो, एटलीस्ट आप समझ सकते हो, एटलीस्ट लग गया, आइदर लग गया, तो आपको समझना है कि एडिशन का कंसेप्ट आ गया। आइदर बोलने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि या तो 7 आए या तो 11 आए, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ये आप बताओ। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 7 और 11 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। जब एक बार किसी दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, एक सिंगल थ्रो किया जा रहा है दो डाइस को, तो आप बताइए कि उन दोनों डाइस का सम 7 होगा या 11 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। 7 या 11, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे हम लोगों को दो इवेंट मानना होगा। सबसे पहला इवेंट क्या मानना होगा, ए, जो कि हम लोग मान लेते हैं सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज 7। तो आप मेरे को बताओ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा जब हम लोग दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल 36 होंगे और क्या क्या होंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 1 6 लास्ट वाला होगा। अब दूसरा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6
तो हमने सारे सैंपल स्पेस को लिख लिया। अब आप बताओ मेरे को कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इन इवेंट ए क्या क्या हो जाएगा अगर आप लिस्ट बनाओगे फेवरेबल इवेंट ऑफ इवेंट ए, तो इस सेट में क्या क्या आएगा। तो हमने ए क्या माना है कि सम क्या आ रहा है 7, तो आप देखते हैं 7 कितने में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 6 = 7 आ रहा है, तो हम लोग ये क्या हो जाएगा फेवरेबल वाले लिस्ट में आ जाएगा। दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम 7 आ जा रहा है। इसी तरीके से 2 + 6 = 8 हो रहा है सम, मतलब कहीं ना कहीं तो होगा 7 और 7 8 के बाद ही आएगा सम। अगर 2 + 6 = 8 है तो सम यहाँ पे जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा सम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने तो फर्स्ट टाइप्स में फिक्स कर दिया कि फर्स्ट टाइप्स में 2 ही होगा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट जितने भी आउटकम आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो क्या बचेगा जिसका सम जिससे सम 7 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 आना होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 5। इसी तरीके से आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा 3 4, तो अब समझते हैं कि टोटल केस कितना था। टोटल केस सैंपल स्पेस में 36 है, बट आउट ऑफ 36 देयर आर ओनली 6 केस जहां पे सम क्या आ रहा है दोनों डाइस का 7 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो, तो आप क्या बोलेंगे सर नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल लिस्ट इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम इन सैंपल स्पेस इज 36, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/36 दैट इज 1/6। और मैंने बोला था आप एडिशन थ्योरम में जनरली सिंप्लीफाइड वर्जन मत लिखो, लास्ट में सबसे लास्ट में आंसर में आप सिंप्लीफाई करेंगे तब अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बेसिकली ऐड करना है एडिशन थ्योरम में, तो फिर आपको एलसीएम लेना होगा, तो आप इसको अभी कैंसिल ना करें। अब देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 निकाला जो कि आ गया 6/36, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया गेटिंग आइदर ऑफ 7 और 11, 7 आए सम या 11 आए, मतलब एक और इवेंट है यहाँ पे दैट इज बी, और ये क्या है सम इज 11, सम 11 आ रहा है दोनों डाइस पे। अब मेरे को बताओ ये आप फेवरेबल वाले लिस्ट में कौन क्या क्या आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे 6 + 1 = 7, इसका हाईएस्ट सम दोनों डाइस का 7 आ रहा है इस वाले केस में, मतलब कोई यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा दोनों डाइस का जो कि 11 सम लेके आएगा। दूसरे वाले में चेक कीजिए 6 + 2 = 8, हाईएस्ट 8 है तो यहाँ भी नहीं आने वाला। 6 + 3 हाईएस्ट 9 सम है तो यहाँ भी 11 सम नहीं आने वाला। 4 + 6 = 10, तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन का सम 10 है तो 11 नहीं आने वाला। 6 + 5 हाईएस्ट 11 आ रहा है, मतलब एक केस बना क्या 5 6। इसी तरीके से नीचे वाले में देखिए एक और केस बनेगा 6 5, तो अब आप मेरे को बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट इन फेवरेबल लिस्ट तो कितना आ रहा है 2 आउट ऑफ 1, तो आउट ऑफ 36 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 2/36। अब आप मेरे को बताओ क्या इन दोनों में कोई ऐसा है जो कि फेवरेबल लिस्ट में कॉमन आ रहा है, दोनों इवेंट के फेवरेबल लिस्ट को चेक कीजिए, तो आप बोलेंगे सर ए वाले के फेवरेबल लिस्ट ये है और बी वाले का ये है, दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन आ रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया है 2/36, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 8/36। एंड अब सिंप्लीफाई करिए, अब जब फाइनल आंसर आपको निकालना है तो 8/36 क्या हो जाएगा 4/18 दैट इज 2/9, क्लियर है ना। So this is the probability of getting sum either of 7 or 11.
बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड होता है आइदर, एटलीस्ट, ये सब आपको क्लियर स्कोप दे देता है कि भाई सब ये होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं पहले जो कि दो डाइस से रिलेटेड हो, क्योंकि बार बार सैंपल स्पेस लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो अभी 4 हमने बनाया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सॉरी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वहां भी दो डाइस का गेम देने वाला है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जब भी डाइस का केस आए ना, तो बहुत रेयर चांसेस है कि वहां पे कोई कॉमन वाला केस आएगा, वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ही सेट फॉलो करेगा। बट आप एक बार फिर से बनाने टाइम में चेक कर लेंगे कि क्या अवेलेबल लिस्ट में दोनों इवेंट में कुछ कॉमन आउटकम आ रहा है क्या, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। हालांकि लेस चांसेस रहता है, बहुत ही कम चांसेस रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। If two dice are thrown, जैसे ही दो डाइस बोला, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। What is the probability of throwing two sixes? दो सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप मेरे को बताओ कि दो सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया भाई साहब पहले टाइप का। ये टोटल सैंपल स्पेस है और एक ही इवेंट है बोला जा रहा है, जहां वो इवेंट क्या है, जहां पे दोनों डाइस में सिक्स और सिक्स आ रहा है। तो आप इस 36 में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो आप बोलोगे सर एक ही कॉम्बिनेशन होगा, और ये क्या होगा, लास्ट वाला, जहां पे पहले वाले में भी सिक्स आएगा और लास्ट वाले डाइस में भी सिक्स आ रहा है, दूसरे वाले डाइस में भी सिक्स आ रहा है। तो मैं बोलूंगा अच्छा भाई साहब, तो आप मेरे को ये बता दो कि दोनों डाइस में सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप कोई भी इवेंट ही आप लिख लो, तो फेवरेबल लिस्ट में कितना हो जाएगा, आउट ऑफ दीस 36 देयर इज ओनली वन चांस, सिर्फ एक ही चांस है कि दोनों कम में सिक्स आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/36। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the probability of 9 जमाने का probability बताइए। ये first type का ही question हो गया, basic वाला, sum 9 आने का। देखिए number of element in sample space तो मेरे को पता है 36 है, मतलब सिर्फ number of element in favorable list मेरे को निकालना है, तो काम बन जाएगा, probability निकल जाएगा। तो अब आप इन 36 में check कीजिए कहाँ पे sum 9 आएगा, कितने में sum 9 आएगा। तो आप देखिए इसका हाईएस्ट सम क्या हो गया, 1+6 7, यहाँ पे 9 नहीं आ रहा। 2+6 8, यहाँ पे 9 नहीं आ रहा। 3+6 9 आ रहा है, मतलब एक केस फेवरेबल का यहाँ पे बन गया। 6+4 10, मतलब 9 कहीं ना कहीं तो आएगा और एक केस यहाँ बनेगा, मतलब अभी तक टोटल दो केस बन गया जहां सब 9 आ रहा है। फिर देखिए 6+5 11, मतलब 9 कहीं ना कहीं आएगा इस वाले रो में भी, तो मतलब 3 केस बन गया है अभी। अब चौथा केस यहाँ पे बनेगा, तो मतलब टोटल कितने केस हो गए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर टोटल फेवरेबल लिस्ट में 4 केस हो गए हैं, जहां पे सब 9 आ रहा है और टोटल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है। तो आप क्या बोलेंगे 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/9। अब देखिए थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है। What is the probability of no throwing of 9? तो आप अब देखिए ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको सर्कल करके और अच्छे से इसका कंसेप्ट समझेंगे। मैंने आपको बताया था कंप्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब 9 सम नहीं आए इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास एक तरीका है कि सम 9 नहीं आ रहा है, आप काउंट करके निकाल देंगे। लेकिन आप दूसरे अप्रोच से समझो बात को कि हम लोगों ने सम 9, जो दूसरा क्वेश्चन था ये बेसिकली क्या था कि सम 9 आए इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, हमने ये निकाला है, फाइंड आउट किया है। अब सम नहीं 9 आने का, तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे केस को क्या बोला जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। अगर हम लोग माने इवेंट ई ऐसा इवेंट है जहां पे सम 9 आ रहा है,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां पे सम 9 नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी हम लोगों को क्या निकालना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - 1/9 दैट इज 8/9। फिर से समझो बात को आप, मैंने आपको क्या बोला था, ये हमने जो प्रोबेबिलिटी सेकेंड नंबर में निकाला है वो किसका निकाला है, गेटिंग सम 9 ऑन द फेस ऑफ बोथ डाइस। लेकिन हमको अब जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो किसका निकालना है, कि सम 9 नहीं आने का। अब आप एक बात जानो, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस कोई भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो अगर यहां इवेंट ई है कि सम इज 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ई डैश क्या हो जाएगा, सम ऑन द बोथ फेस इज नॉट 9। अब इन दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो काम फिर से वापस आ जाएगा। तो अगर कोई इवेंट दिया हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, आपके आपको उसका कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 - जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल लिस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए सम 9 नहीं आना है, तो ये जो यहाँ पे टोटल 6 केस है और 6 का 6 क्या है, सम 9 नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना आ रहा है, हाईएस्ट 7 आ रहा है, 1 + 6 = 7, मतलब 6 फेवरेबल लिस्ट में केस यहां से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो 6 + 2 = 8, मतलब यहां पे भी जो 6 केस है उसमें भी सम 9 नहीं आएगा। तो फिर 6 और बढ़ गया नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल लिस्ट। अब यहां पे देखो 6 + 3, तो एक ऐसा केस है जहां पे सम 9 आ रहा है, मतलब अब इसमें 5 केस ही ऐसे बचे जहां पे सम 9 नहीं आ रहा है। तो अब 6 + 6 + 5, उसी तरीके से यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। ये क्या आया बेसिकली, ये आया है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल लिस्ट। आउटकम्स इन फेवरेबल लिस्ट बोलने का मतलब क्या, ऐसा टोटल इवेंट जहां पे सम 9 नहीं आ रहा है, और ऐसा कितना इवेंट है 36 में, तो 6 + 6 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 5 = 22, 22 + 5 = 27। तो टोटल ऐसा 27 केस है जहां पे सम 9 नहीं आ रहा है। तो अब आप मेरे को बताओ, फिर से एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इसमें हो गया, 6 इसमें हो गया, 6 + 6 = 12, 5 = 17, 17 + 5 = 22, 22 + 5 = 27, 27 + 5 एक और 5 ऐड होगा तो ये 32 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो अब टोटल कितना केस हो गया जहां पे सम 9 नहीं आ रहा है, जब दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो आप बोलोगे टोटल 32 केस है। और टोटल सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितना है, तो आप बोलेंगे टोटल 36 है सैंपल स्पेस में आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट इज 32/36, 16/18, 8/9। क्लियर है ना, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि जब भी आपको एक प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का दे दिया, कि अगर आपको दे दिया कि वो छोटा है, इसका हाइट, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो वो बड़ा होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, 1 - 2/3। अगर कोई इवेंट ई दे दिया है कि उसके होने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 - उसके होने का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ना, आप आगे देखोगे क्वेश्चन मिलेगा कि अ सेल्समैन सेल्स कि अ सेल्समैन कैन सेल हिज प्रोडक्ट, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो आपको वहां पे निकालना होगा कि वो सेल नहीं करेगा, उसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 - 2, वो सेल कर सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी।
तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे धीरे धीरे आप और अच्छे से इसको इस कंसेप्ट को समझते जाओगे, क्लियर है ना। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ा है। हम लोग पहले क्या करते हैं कि जितने भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे को बना लेते हैं, क्योंकि बार बार ये सारी सैंपल स्पेस को लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 6, 7 भी अभी बॉल से रिलेटेड है उसको छोड़ते हैं 7 के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से डाइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, 9 क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू डाइस, यहाँ पे आप थ्रोइंग लिख लेंगे, टॉसिंग कभी डाइस को टॉस नहीं किया जाएगा, या कर भी सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप थ्रो थोड़ा सा बेटर लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टू डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन 9। फिर से वही बात कर दिया भाई साहब कि नंबर्स ग्रेटर देन 9 हो इसके इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर से टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ एक इवेंट दे रहा है, यहाँ पे तो एडिशन थ्योरम का कुछ काम ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ही इवेंट दिया हुआ है कि सम 9 से ज्यादा होना चाहिए और इसी का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप मेरे को बताओ कि टोटल इतना इसमें आप इन क्वेश्चंस को, फिर वही बात है कि आप थोड़े से ये करके बना सकते हो कि सारे को यहां से लिखोगे, लेकिन दूसरा अप्रोच जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया उस अप्रोच से कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि सम जो होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर है ना। तो हम लोग उस मेथड से थोड़ा लंबा हो जाएगा बट फिर भी कोशिश करते हैं, सम 9 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जहां इसमें टोटल कितना ऐसा केस है और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है जिसमें सम 9 से कम है। तो आप ध्यान से देखिए, 6+1 हाईएस्ट 7 है, तो इसमें जो भी 6 केस हो गया वो 6 केस का कहानी क्या होगा, वो 6 केस का सम जो होगा वो क्या होगा, 9 से कम होगा, क्लियर है ना। 9 से कम होगा जितने भी 6 केस है, आप ऐड करके देखो, अगर आपको भरोसा नहीं है 1+1 2 हो गया सम जो कि 9 से कम है, इसी तरीके से 1+2 3 हो गया सम जो कि 9 से कम है, 1+4 5 सम हो गया जो कि 9 से कम है, 1+5 6 सम हो गया जो कि 9 से कम है, तो बेसिकली 1+6 फिर से 7 हो गया जो कि 9 से कम है। तो मतलब टोटल यहाँ पे कितने केस हो गए जो कि 9 से कम आ रहा है, जिसमें सम 9 से कम आ रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल 6 का 6 केस पहले वाले में हो गया। फिर देखिए सैंपल स्पेस के दूसरे रो वाले में 2+6 हाईएस्ट 8 आ रहा है, तो 9 से कम ही है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, जो भी 6 केसेस में आए हैं वो 6 का 6 केस क्या होगा, उसमें सम लेस देन 9 होगा, मतलब फिर से फेवरेबल लिस्ट में और एक्स्ट्रा 6 जुड़ गया जहां पे सम क्या हो रहा है, 9 से कम आ रहा है। अब यहां पे आप मेरे को बताओ 6+3 9, मतलब एक केस ऐसा बन गया जहां पे सम 9 आ गया, लेकिन मेरे को क्या निकालना है इनडायरेक्टली, जहां पे सम 9 से कम हो। तो अगर इस एक को हम छोड़ दें, बाकी जो 5 केस बचेगा वो क्या होगा, उन 5ों का सम क्या होगा, लेस देन 9, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, 3+3 5 3+5 दैट इज 8, तो सम तो 9 से कम है। तो टोटल थर्ड वाले में कितने केस हो गए, तो आप बोलोगे सर जी 5। अब आप मेरे को बताओ 4+6 क्या होगा सम, 10 होगा जो कि 9 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये तो नहीं होगा बट एक और इसके पीछे वाले केस 4, 5 ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका सम क्या है, 9, क्लियर है ना। तो 9 और 10 हमको क्या चाहिए कि ऐसा केस चाहिए, ऐसा केस ही फेवरेबल वाले लिस्ट में आएगा जिसमें सम 9 से छोटा हो। तो मतलब इस वाले रो की अगर बात की जाए, 4 वाले रो में जब फर्स्ट है इसमें 4 आ रहा है, तो टोटल 4 केस होंगे जहां पे सम क्या होगा, लेस देन 9 होगा, तो यहां प्लस 4। इस वाले में
देखिए 6 प्लस 5 11 नहीं होगा, ग्रेटर देन 9 है। फिर 5 प्लस 5 आएगा जो कि 10 होता, नहीं होगा क्योंकि लेस देन 10 हम लोगों को चाहिए। फिर 5 प्लस 4 वो भी नहीं होगा क्योंकि उसका सम 9 है, हमको क्या चाहिए 9 से कम वाला सम चाहिए। तो इसमें 9 से कम वाला सम कितना होगा, 3 होगा, 5 1, 5 2, 5 3, क्लियर है ना। तो आप देखिए 3, अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे सिर्फ दो केस होगा 6 1 6 2, जैसे ही 6 3 6 4 6 5 आप बोलोगे तो 9 या 9 से बड़ा आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने एक इवेंट तैयार किया था, सम इज लेस देन 9। तो सम इज लेस देन 9 में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल इवेंट क्या आ जाएगा, तो आउट ऑफ 36 दीज आर सम आउटकम्स विच आर लेस देन 9। तो जोड़िए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 2 26। मतलब अगर हम पूछे आपसे PE का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 26 बाय 36। अब क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था कि सम वुड बी ग्रेटर देन 9, इसके कितने प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा केस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। अगर हमने इवेंट ई माना है तो वो क्या हो जाएगा, ई डैश बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, सम इज ग्रेटर देन 9। अब आप मेरे को बताओ कि अगर पीई का वैल्यू सम लेस देन 9 का दिया हुआ है आपको 26 बाई 36, तो अगर मैं आपसे पूछूं पीई डैश का वैल्यू आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 माइनस पीई हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 26 बाई 36, दैट इज 10 बाई 36। इसको आप सिंपल करेंगे क्या हो जाएगा, 5 बाई 18। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन द सम विल बी लेस देन 9, सॉरी ग्रेटर देन 9 व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। अगर आपको ऐसे भरोसा नहीं हो रहा, तो आप फिर से वही प्रोसेस डायरेक्ट एक इवेंट ही मानिए जहां पे सम ग्रेटर देन 9 हो, फिर नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल इवेंट चेक कीजिए। देखिए उस मेथड से भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं। मेरे को क्या पूछ रहा है, हम लोग कोई इवेंट ई मानते हैं जो कि क्या है, सम इज ग्रेटर देन 9, इसी का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालने का पूछा जा रहा है। तो आप बताओ फेवरेबल आउटकम इन द फेवरेबल लिस्ट क्या क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हाईएस्ट यहाँ पे 6 प्लस 1 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, 6 प्लस 2 8 होगा, ये भी नहीं होगा, 3 प्लस 6 9 9 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है ना, 9 से ज्यादा होना चाहिए तो ये वाला भी नहीं होगा। आप ये बताओ 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9, ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी का कमी है कि इक्वल वाला केस को कंसीडर करना है या नहीं, तो हो सकता है आंसर थोड़ा सा वेरी करे, बट हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ 9 से ज्यादा वाले का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो आप बताओ यहाँ पे कितने केस होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 4 6 10 सम हो गया, तो यहाँ पे एक केस हो गया। इसी तरह से यहां पे कितने केस होंगे, 2 केस होंगे, 5 5 5 6, यहां पे कितने केस होंगे, तो 6 4 6 5 6 6। अब टोटल देखिए कितना नंबर आ गया फेवरेबल लिस्ट में, 1 2 3 4 5 6, सो द प्रोबेबिलिटी इज 6 बाई 36, दैट इज 1 बाई 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर तो वेरी कर गया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोगों ने जो पहले वाले मेथड से निकाला तो वहां पे इवेंट में
हम लोगों ने 9 वाले केस को कंसीडर नहीं किया था, हमने 9 वाले केस को छोड़ दिया था। तो अगर 9 वाले केस को कंसीडर करके बनाते तो फिर आंसर ये आ जाता। कैसे आता देखिए, अगर हम लोग इवेंट ई मान लेते हैं कि सम देखिए पहले वाले मेथड से फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इवेंट मान लेते सम इज लेस देन 9। अब यहां पे जो है थोड़ा सा आपको क्लियरिटी करना होगा कि लेस के जगह लेस देन और इक्वल लिखना होगा, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पहले जब सॉल्व किया था क्वेश्चन तो हम लोग इन सारे केसेस को छोड़ दे रहे थे जहां पे सम 9 आ रहा था। लेकिन जब पहले पीई का वैल्यू निकाल जैसे हमने निकाला था वहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, 9 वाले केस को फिर लेना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से खुद से ट्राई करेंगे, आप इवेंट मानेंगे और क्या करेंगे बेसिकली कि सम जहां पे 9 आ रहा है उस वाले केस को भी लेंगे। तो आप देखिएगा यहां पे 6 हो जाएगा, यहां भी 6 हो जाएगा, यहां भी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम 9 आएगा। तो एक केस जो हमने छोड़ा था पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे सम हमने किस लिए छोड़ा था, क्योंकि सम 9 आ जा रहा था। तो आपको हॉचपॉच नहीं होना, परेशान नहीं होना, एक्चुअल आंसर 1/6 ही है। लेकिन मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा था कि अप्रोच क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड में आपको इवेंट कंप्लीमेंट वाले का इवेंट कंप्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट उसका कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आप परेशान ना हो, आपको अगर ज्यादा परेशानी लग रहा है तो आप मेरे से एक बार क्लेरिफाई कर लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि पहले मेथड में हमने प्रोबेबिलिटी निकाला था ओनली लेस देन 9, तो वहां पे क्या करना होगा लेस देन 9 और इक्वल टू 9 उसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तब हम लोगों को आंसर आएगा कि प्रोबेबिलिटी वेयर द सम इज नॉट इक्वल टू 9 और नॉट इक्वल टू लेस देन 9 दैट इज वेयर द सम इज ग्रेटर देन 9। मतलब बोलने का मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी तब फाइनल निकलेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ सम 9 से बड़ा हो। हमने जो पहले मेथड से बनाया वो किसका आंसर आया था, जो कंप्लीमेंट वाले से मेथड से हमने बनाया था वो आया था वेयर द सम इज इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन 9 उसका आंसर आया था। क्लियर है? फिर से एक बार आप समझो कि ये जो 1/6 आंसर हमने दूसरे वाले मेथड से निकाला ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9। लेकिन हमने जो पहले मेथड्स को यूज करके जो कंप्लीमेंट को यूज करके आंसर हम लोग निकाले थे वो जो प्रोबेबिलिटी आया था वो क्या आया था, सम इज 9 और ग्रेटर देन 9। क्लियर है ना, ये वाला आ गया था। तो आपको परेशान नहीं होना है कि आंसर गलत आ रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको सिर्फ अप्रोच समझ लेना है, बस आपको अभी इतना करना है। बाकी बात जो काम रहेगा आपको वो मैं समझाऊंगा, आपको सिर्फ अप्रोच समझ लेना है। अगर अप्रोच समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है फिर आपको एक बार क्लियर कर लेना है कॉल करके या फिर मैसेज करके कि सर यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, 17 में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन find the probability that the sum is neither 7 nor 11। फिर से वही बात हो गया कि sum 7 नहीं आए और 11 नहीं आए, इसका कितना probability होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप probability निकालेंगे कि sum 7 आ जाए और sum 11 आ जाए, इसका कितना combined probability है। तो अगर आप combined probability निकाल लोगे तो 1 माइनस 7 और 11 आने का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसको माइनस कर देंगे आप, तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए फॉर्मी कर गया, आप इसको एक बार बना के देखेंगे कि टोटल
कितना ऐसा केस है, सिंपली आप क्या मानेंगे, एक इवेंट ए मानेंगे where sum is 7. ये क्वेश्चन हमने जस्ट बनाया था जहां पे सम 7 और 11 का हमने निकाला भी था प्रोबेबिलिटी. तो आपको बेसिकली क्या करना है, अब पी ए निकालना है, पी बी निकालना है और फिर पी ए और पी बी निकाल देना है. पी ए और बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी. लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम आइदर 7 और 11, सम 7 और 11 आने का प्रोबेबिलिटी. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ना तो सम 7 आए ना तो 11 आए, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है. तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, तो बेसिकली हमको क्या पूछा गया है, पी ए डैश और पी बी डैश का वैल्यू पूछा गया है. ना तो सम 7 आए ना तो सम 11 आए, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए और पी ए और बी. अब आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो आपको पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना. अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार, जो जो बीच में क्वेश्चन छूट रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. आप इसको देख लेंगे, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके क्लियर कर लेंगे कि सर आपने इस अप्रोच से बताया है यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ठीक है ना. परेशान नहीं होना, आपको कॉल करके पूछ लेना मेरे से. तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हमने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने छोड़ा था. अब बैक कॉन्टेंट 60 क्वेश्चन नंबर 5 है. कोई एक बैग है और इस बैग में क्या बोला जा रहा है, अ बैग कॉन्टेंट 16 व्हाइट बॉल, 8 ब्लैक बॉल एंड 12 येलो बॉल एंड 12 रेड बॉल. अब आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल और येलो बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ ऑफ इन अ सिंगल ड्रॉ. बोला जा रहा है कि अगर किसी बैग में 16 व्हाइट बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है, 12 येलो बॉल है और 12 रेड बॉल है, तो आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक एंड येलो बॉल, ब्लैक और येलो बॉल व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग. जब एक बॉल को इस बैग से निकाला जा रहा है तो वो बॉल ब्लैक हो या येलो हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ये बताइए. तो आप बताइए फिर से, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कहीं ऐसा होगा कि कोई ब्लैक येलो हो जाएगा और येलो बॉल ब्लैक हो जाएगा. तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होने वाला. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज पीबी प्लस पी ए और पी ए प्लस पी बी. अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे बी से क्या हो गया, ब्लैक बॉल, और पी ए के जगह हम लोग अब डायरेक्ट लिखते हैं, अब अपना इवेंट को हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इवेंट बी मान लेंगे, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल और कोई इवेंट वाई मान लेंगे, ड्रॉइंग येलो बॉल. अब आप मेरे को बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा. तो आप क्या बोलेंगे कि सर टोटल बॉल कितना है, तो आप बोलेंगे 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 12 दैट इज 36, 36 प्लस 12 दैट इज 48. तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, मतलब टोटल आउटकम अलग अलग क्या कितने आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे टोटल 48 केसेस है अलग अलग आने का, क्लियर है ना. तो अब आप मेरे को बताओ इस 48 में ब्लैक बॉल आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल तो ब्लैक बॉल 80 है, उस 8 में कोई आ जाए तो बात बन जाए, मतलब फेवरेबल लिस्ट में कितना हो जाएगा, 8 केस अलग हो जाएगा, 8 आउटकम वाला केस हो जाएगा.
तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 8/48। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग येलो बॉल तो आप क्या बोलेंगे, py इज इक्वल टू 12/48। अब यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बी और y इज इक्वल टू pb प्लस py, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग येलो बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल कितना आया है, 8/48। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट येलो बॉल कितना आया है, 12/48। अब आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 8 20/48 दैट इज 10/24 दैट इज 5/12। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल और येलो बॉल। क्लियर है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा, अ बैग कंटेन्स 4 white, 9 black and 6 red ball। देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। बॉल डाइस इन केसेस में तो कभी कॉमन इवेंट आ ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लैक बॉल भी येलो बॉल हो और येलो बॉल भी ब्लैक बॉल हो। क्लियर है ना, तो डायरेक्ट आपको वहां पे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना और ऐड कर देना, फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि अ बैग कंटेन्स 4 white ball, 9 black ball, 6 red ball and 3 green ball। अब पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर अ व्हाइट, ध्यान से समझना है प्रोबेबिलिटी किसका किसका पूछा जा रहा है, इधर अ व्हाइट और अ ब्लैक और अ ग्रीन बॉल, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ये बताइए। फिर से आप उसी तरीके से करेंगे, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता हूँ, आप वहां पे लेकिन कॉपी में सही से लिखेंगे कि W इज द इवेंट और लिखेंगे कि द बॉल इज व्हाइट इन कलर, B इज द इवेंट, B लिख के कि बॉल इज ब्लैक इन कलर, G इज द इवेंट तो G बॉल इज ग्रीन इन कलर, फिर इंडिविजुअली सारे का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा PW प्लस PB प्लस PG। अब मेरे को बताइए व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल बॉल कितना है 9 + 4 दैट इज 13, 13 + 3 दैट इज 13 + 3 दैट इज 16, 16 + 6 22। तो 22 केस हो गया, मतलब सैंपल स्पेस में हमेशा क्या आएगा, जो भी बॉल का आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे नीचे में तो 22 ही रहेगा, बिकॉज 22 पॉसिबल केस है जब एक बॉल को निकाला जा रहा है। अब आप बताओ इसमें से वाइट बॉल आने का केस कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल 4 वाइट बॉल है, तो ये चारों आएगा तभी बात बनेगा। मतलब अगर हम वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 4/22। इसी तरीके से ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 9/22, ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/22। अब आप कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 9 + 3 12 + 4 16/22 दैट इज 8/11। ये जो 8/11 है वो क्या है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ व्हाइट बॉल और अ ब्लैक बॉल और अ ग्रीन बॉल, इन तीनों में कोई आए इसका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, हमने डिस्कस नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखिए भैया कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल 5 येलो बॉल। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ रेड बॉल और येलो बॉल और इन अ सिंगल बॉल। सिर्फ इन दोनों का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। फिर से अगर हम मान लेते हैं कि आर कोई इवेंट है जहां पे बॉल रेड बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है, बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। इसी तरीके से कोई इवेंट हम लोग मान लेते हैं बी, तो क्या हो जाएगा ब्लैक बॉल इज ड्रॉन या फिर बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर। वाई क्या हो जाएगा येलो बॉल इज ड्रॉन। तो अब आप मेरे को बताइए हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड बॉल और अ येलो बॉल क्या हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो रेड बॉल है वही येलो बॉल हो या फिर येलो वाला रेड हो जाए। तो ये क्या हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला केस। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा पी आर प्लस पी वाई। अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इसमें से आप क्या बोलोगे, तो 3 रेड बॉल है तो 3 रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3 बाय टोटल बॉल कितने हैं तो 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। तो ये जो 13 है 8 by 13 ये क्या होगा टोटल 13 बॉल आ सकता है जब एक बॉल निकाला जा रहा है, कोई भी 13 में से आ सकता है। लेकिन मेरा बात कब बनेगा जब रेड आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सॉरी 8 लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टोटल 3 रेड बॉल है। तो अगर ये 3 रेड बॉल आए तभी मेरा बात बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3 by 13। इसी तरीके से येलो बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 by 13। अब कंबाइन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8 by 13। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 by 13 प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 8 by 13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड बॉल और अ येलो बॉल। क्लियर है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट हो, तो अगर आपको डाउट हो तो आपको कॉल करके क्लियर कर लेना है, पूछ लेना है। और उम्मीद करते हैं आप इसके नोट को तैयार कर रहे होंगे, क्वेश्चन लिख के आप बना रहे होंगे। और आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही मजेदार है, अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा उम्मीद आप कर सकते हो कि लास्ट क्लास टाइप 3 का एडिशन थ्योरम का या टाइप 2 का लास्ट क्लास होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए।